नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी। आज हम हैं हिसार जिले में और आज हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इसके साथ उन्होंने शुरुआत की, उसमें इनका संघर्ष का भी दौर आया और उनकी लड़ाई अभी तक जारी है। उस विषय में आज बात करना चाहेंगे कि इनकी लड़ाई क्या थी और इनकी मांग क्या है और ये अभी तक अपनी मांग को लेकर कहां तक डटे हुए हैं। आइए सीधे इनसे बात करते। हमारे साथ हैं होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास रंगा जी। विकास रंगा जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या ऐसा दौर आया कि आपकी कौन सी ऐसी मांगे थी जो आप होमगार्ड में जॉब करते हुए आपको इन चीज़ों का, इन सभी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और मैंने ये भी सुना कि आपने धरना भी दिया था, प्रोटेस्ट भी किया था अपने होमगार्ड साथियों के साथ, ऐसा क्या रहा? सबसे पहले तो नमस्कार सभी को, जितने भी दर्शक देख रहे हैं और रोशनी की रिपोर्टिंग जो चैनल है। सबसे पहले तो नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं हरियाणा होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष विकास रंगा। हरियाणा में आपको जैसे पता है होमगार्ड का जो मामला वर्तमान समय में भी चला हुआ है, जितने भी जवान होमगार्ड के हैं 14,025 हरियाणा के अंदर, वो बहुत सारी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो अधिकारी है ना होमगार्ड डिपार्टमेंट के, वो बहुत ही भ्रष्ट हो चुके हैं। ड्यूटी जब हमारे को दी जाती है तो पैसे लेकर के ड्यूटी ली जाती है, ये मामला भी काफ़ी दिनों से चर्चा में रहा है। और वर्तमान समय में अभी जो मामला चला हुआ है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो अभी जो अधिकारी है हिसार डिस्ट्रिक्ट के, उनकी जो मिली भगत है वो ऊपर तक है कहीं ना कहीं। अब उन जवानों को कैसे न्याय मिल पाएगा जब सारे भ्रष्ट अधिकारी ऊपर तक बैठे हुए हैं। एचपी रैंक का अधिकारी अशोक शोरण, जिनको डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट की भी पावर है, पुलिस अधीक्षक की भी पावर है और डीडीओ की पावर भी उनको दे रखी है। अब एक जवान अपने संघर्ष की, मतलब अपने न्याय की अगर गुहार लगाता है तो डीजी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट जो है उसके लेटर पे भी उसके अशोक शुरवण के साइन होते हैं, पुलिस अधीक्षक के भी और डीजी के भी साइन होते हैं। क्या एक ही अधिकारी विभाग के अंदर है जिसके सभी लेटरों पर उसी के साइन होते हैं? ये भ्रष्टाचार ऊपर तक फैला हुआ है। विकास जी, हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे, क्या ये जो पैसे वाला मामला जिसे रिश्वत खोरी कहते हैं, क्या ये रिश्वत का मामला जब आप लोगों की पहले ज्वाइनिंग हुई तब से ये शुरू था, तब से जारी था, या फिर कुछ दिनों बाद ये मामला आया, ये मोड़ आया जब रिश्वत लेकर लोग भर्ती करने लगे? ये रिश्वत का जो मामला है काफ़ी बहुत पुराना है और काफ़ी जवानों ने आवाज़ भी उठाई है, लेकिन जो जवान इस, मतलब आवाज़ को जो भी उठाता है उस जवान के साथ इन्होंने बहुत, मतलब शोषण करते हैं उस जवान का, उसको ड्यूटी पर नहीं देते 6-6 महीने। अगर जो जवान कोई भी ड्यूटी को नहीं देते हैं तो उसको ना किसी भी अधिकारी के पास जाता है, अपने न्याय की गुहार लगाता, तो उसको किसी ने किसी का बहाना दे करके उसको भी भाग से बाहर कर दिया जाता है और उसकी जगह पे किसी भी नए जवान को भर्ती कर लिया जाता है। तो मतलब जो आवाज़ उठाता है उसको बर्खास्त कर दिया जाता है, उसे निकाल दिया जाता है। तो फिर इसके लिए आपने जब धरना दिया, आपने प्रोटेस्ट किया अपने जवानों को लेकर, अपने होमगार्ड को लेकर, तो क्या इसकी सुनवाई हुई या नहीं अभी तक? अभी तक इसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। हमने 2020 के अंदर भी पूरी, मतलब जोर शोर से हमने मांग उठाई थी भर्ती घोटाला जी, और ये पूरे चर्चा में रहा है जी। सभी को पता है होमगार्ड के अंदर भर्ती घोटाला हुआ है, लेकिन आज तक उसकी जांच पेंडिंग है। उसके बाद में जितने भी जवानों को बिना नोटिस के विभाग से बाहर निकाल दिया गया था, उसकी हमने कंप्लेंट विजिलेंस के अंदर की थी, विजिलेंस से इंक्वायरी आई थी। होमगार्ड का एसपी श्योरण वो जांच अधिकारी बन करके आया था, लेकिन उसने हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आए तो मेरे को वहाँ बुलाया गया था, क्योंकि मैं शिकायत करता हूँ, मेरे को बुलाया गया। मेरे को बुला करके मेरे से पहले तो सही बात है कि ठीक है ये भ्रष्ट अधिकारी है, मैं इनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, मैंने लिख करके दे दिया भाई ये अधिकारी है, ये सबूत है, जो भी डॉक्यूमेंट मेरे पास थे मैंने उनको दे दिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ न्याय करोगे, हमने ऐसा उनसे कहा। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, उसको भी आवाज़ को बिल्कुल दबा दिया गया है, वो जांच बिल्कुल बंद कर दी गई है। अभी आपकी मांगे क्या है, आप किस, जो आपकी मांगे है आप उस किस तरीके से रखना चाहते हैं ताकि शासन प्रशासन तक बातें पहुँचे और उस पर आपको न्याय मिल सके? हमारी मांगे यही हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल ख़त्म हो जाए और हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी वर्तमान समय में जो मामला चला हुआ है, और मैं सरासरी में बोल सकता हूँ जय भगवान प्लाटून कमांडर जी, ठीक है, जो कि हांसी में कार्यरत हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर,
उनका ही प्रॉपर पूरा रोल है। और जो अभी वीडियो आ रही हैं अखबार के अंदर, न्यूज़ चल रही हैं कैमरे के मतलब सामने आकर के, जो सोनू सोनी है जो बता रहा है, जो लड़कियों का मामला जो सामने आ रहा है, उसके अंदर भी अगर सही से देखा जाए तो जय भगवान को कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की जा रही है। और वो वीडियो के अंदर CCTV के अंदर बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ उन्हीं का ही सारा रोल है। हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर कोई भी जवान भर्ती होता है जी, या किसी की भी ड्यूटी लगती है तो उसका अहम रोल रहता है। और कोई भी अधिकारी हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है तो वो अपने उसको चुंगल में फंसा लिया जाता है। अपने जैसे ही अधिकारी का पूरा हिसार डिस्ट्रिक्ट पूरा बदनाम कर चुका है इसी के वजह से। विकास जी, आपकी बातें जो भी मैं सुनी, मुझे ऐसा ही समझ में आ रहा है कि ये शासन प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही है, भ्रष्टाचारी ये नज़र आ रही है। तो यदि आपकी मांगे ना स्वीकार करते हैं लोग, ये भ्रष्टाचारी आगे तक भी जारी रहती है, तो आप इसके लिए कैसे आवाज़ उठाएंगे, क्या नतीजा निकलेगा इसका? अभी हमारे जो DG साहब है अभी नए आए हैं, देशराज जी, हमें उनसे उम्मीद है कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। और मैं मीडिया के माध्यम से यही बात रखना चाहता हूँ, जिन जवानों के साथ गलत काम हुआ है, नई भर्ती की बजाय पुराने जवानों को विभाग में दोबारा से मौका दिया जाए, क्योंकि उन जवानों की पूरी नॉलेज भी है, सरकार ने उनको पैसा भी खर्च किया है और डिपार्टमेंट की हर प्रकार की उनको नॉलेज भी है ड्यूटी के बारे में। नई भर्ती न करके पुराने जवानों को दोबारा से मौका दिया जाए और उनको न्याय मिल पाए, और जो भ्रष्ट अधिकारी है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि होमगार्ड डिपार्टमेंट जो छवि। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।